हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने जा रहा है, तो आज हम बात करेंगे मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है गगनयान मिशन के बारे में। अब ये टॉपिक इतना चर्चा में क्यों है, क्यों न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि इसकी पहली टेस्टिंग फ्लाइट यानी TVD1 को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे गगनयान मिशन के बारे में जानेंगे कि ये मिशन क्या है और क्यों भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। सारी बातों पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक इस वीडियो में और एक एक करके हम सारी चीजों को समझ लेते हैं। तो गगनयान मिशन की पहली ये टेस्टिंग फ्लाइट है जिसको अभी रिसेंटली इसरो के द्वारा सक्सेसफुली तरीके से टेस्ट किया गया। 21 अक्टूबर 2023 सुबह 10 बजे का वो समय था जब इसे सक्सेसफुली तरीके से लॉन्च किया गया। अब इस मिशन के बारे में देख लेते हैं। ये आपको एक कैप्सूल देखने को मिल रहा होगा, क्रू इसे मिशन कहा गया है, क्रू इसे मॉड्यूल कहा गया है। इसी के अंदर भारत के तरफ से जाने वाले वो व्योमनॉट्स होंगे, जैसे कि आप लोगों ने नासा में सुना होगा कि जो अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए जो जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। उसी तरीके से रशिया से जाने वाले नॉट्स को कहा जाता है कॉस्मोनॉट्स, और उसी तरीके से भारत ने भी अब हमारे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जाने की पहुंचाने की तैयारी कर ली है, जिन्हें संस्कृत के इस वर्ड से नवाजा गया है और इसे कहा जाता है व्योमनॉट्स। व्योमनॉट्स का मतलब होता है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला। तो व्योमनॉट्स को लॉन्च किया जाएगा 2024 के अंदर, और यह भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने जा रहा है, जिसके अभी रिसेंटली पहली फ्लाइट को सक्सेसफुली तरीके से इसरो के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च की गई। और इस फ्लाइट के द्वारा ये जो क्रू मॉड्यूल आपको दिख रहा है, इसने पैराशूट के थ्रू टच डाउन किया है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो देखते हैं इस मिशन के बारे में हम जान लेते हैं। ये है वो रॉकेट, ये वो व्हीकल है जिसे नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है तो आप सभी को पता होना चाहिए, TVD1 नाम दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही उसमें बताया है, टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, क्योंकि ये मिशन जो है इसका क्रू मॉड्यूल जो है वापस से पैराशूट के थ्रू हमें वापस टच डाउन कराना पड़ा, क्योंकि ये वही क्रू मॉड्यूल है जिसके अंदर हम हमारे व्योमनॉट्स को बिठा करके स्पेस में 5 to 7 days का हमारा ये मिशन होगा, जिसमें हमने इन्हें लॉन्च करना है 2024 के अंदर। बात कर लेते हैं पूरे गगनयान मिशन के प्रोजेक्ट के बारे में, ये क्या होगा, किस तरीके से लॉन्च किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये कैसा मिशन है, क्रू ऑर्बिटल व्हीकल मिशन आपको देखने को मिलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट कर रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, भारत की एक PSU जो कि चॉपर एंड सारे फाइटर जेट प्लेन एयरप्लेन्स को बनाने का काम करता है, यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये किसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसरो को ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। बात करें इस पूरे मिशन के, इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें, तो इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आर हट्टन साहब, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। क्रू कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 3 व्योमनॉट्स को लॉन्च किया जाएगा 2024 के अंदर, जो कि हमारे इस पूरे मिशन का लॉन्च मास रहेगा टोटल 8200 किलोग्राम का। कहां पे इन्हें लॉन्च किया जाएगा, तो एक रिजिम है जिसे लो अर्थ ऑर्बिट रिजिम कहा जाता है, वहां पर इसे इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट रिजिम की बात करें तो इस रिजिम की शुरुआत होती है 200 किलोमीटर से, लगभग कुछ 1000 किलोमीटर के बीच का जो रिजिम होता है अर्थ के आसपास का, उसे हम लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। बात करें ये किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो GSLV Mark III से इस पूरे मिशन को, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा।
अगली स्लाइड में हम देख लेते हैं, ये है हमारी पहली फर्स्ट मैडन टेस्ट फ्लाइट जो व्हीकल है अबॉट मिशन जिसे नाम दिया गया, तो इसे 21 अक्टूबर को लॉन्च किया गया 2023, है ना, सुबह 10 बजे का समय था और इसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। और आप देख सकते हैं कि इसने इसमें दो मॉड्यूल आपको देखने को मिलेंगे, CES एक मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा और दूसरा मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा CM मॉड्यूल। अब ये क्या है, तो क्रू मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा, है ना, इसके अलावा क्रू एस्केप जो मॉड्यूल है ये इसके अंदर देखने को मिलेगा और ये डिस्कनेक्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद और ये इससे डिस्कनेक्ट होकर के ये कुछ किलोमीटर दूर ये बे ऑफ बंगाल में टच डाउन करता है और उसके बाद ये जो क्रू मॉड्यूल है ये इससे अलग होकर के पैराशूट के थ्रू ये वहां पे क्या कर रहा है, बे ऑफ बंगाल में आकर के टच डाउन आपको करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप इस जगह पर रखा हुआ है क्रू मॉड्यूल और इसके अलावा ये जो क्रू एस्केप सिस्टम हमें CES देखने को मिल रहा है, तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो CES कहा जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में इसे डिस्कनेक्ट करता है और इसके बाद ये पैराशूट के थ्रू नीचे अर्थ पर आपको देखने को मिलेगा। ये है वो कंप्लीट क्रू मॉड्यूल, देख सकते हैं आप, इसी के अंदर बैठ करके हमारे व्योमनॉट्स को हम क्या करने वाले हैं, लॉन्च करेंगे कब, 2024 के अंदर, है ना। और ये पहली ऐसी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगी जो कि करने के बाद, लॉन्च करने के बाद इंडिया फोर्थ कंट्री बन जाएगा अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। देख सकते हैं, अब बात करें इसके लिए भारत के अंदर एक मिशन बनाया गया है, एक ऐसी बिल्डिंग को तैयार किया गया है जिसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर नाम दिया गया है, HSFC 2019 बैंगलोर में इसे एस्टैब्लिश किया गया इस बिल्डिंग को। क्यों? क्योंकि हमारे व्योमनॉट्स पहली बार भारत में इंडिजीनियसली तरीके से बनाए गए रॉकेट और बनाए गए इस क्रू मॉड्यूल के अंदर बैठ करके ये वहां पे जाएंगे, तो इसके लिए वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि क्या स्पेस में किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, कैसी कंडीशंस होती है, वो सारा डिटो बनाया गया इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के अंदर। और यहां पर इनको इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे व्योमनॉट्स को, और इन्हें ट्रेन करने में कौन हमारी मदद कर रहा है, कौन कोलैबोरेट कर रहा है, तो देख सकते हैं हमारे क्रू मेंबर्स को ट्रेन किया जा रहा है रशिया के द्वारा। और इस क्रू मेंबर के टीम के अंदर आपको एक सर्जन भी देखने को मिलेगा, जिस सर्जन को ट्रेन किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा। तो ये दो देशों का कोलैबोरेशन आपको गगनयान मिशन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा मिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी कॉस्टिंग लगभग कुछ 10,000 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहां इस लाइन पर फोकस करिए, क्या लिखा हुआ है कि ये जो प्रोग्राम है इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद इंडिया फोर्थ नेशन जो कि इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद उस अलाइड ग्रुप में शामिल हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी तीन देश पहले से ही आपको देखने को मिलते हैं, USA, रशिया और चाइना। मतलब इंडिया ये तैयारी कर रहा है भाई। और इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर को एस्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो एस उन्नीकृष्णन नायर जो कि अभी राइट नाउ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर मौजूद है ये सेंटर, इसके राइट नाउ चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगे। बात की जाए इसके पूरे शेड्यूलिंग की, तो ये कैसे कैसे लॉन्च किया जाएगा, तो देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है कि ये तीन तरीके से शेड्यूल किया गया है, जिसमें पहली टेस्टिंग फ्लाइट होगी और ये रिसेंटली अभी सक्सेसफुली तरीके से टेस्ट की गई, जिसे TVD-1 के नाम से जाना जा रहा है, यानी टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन, जिसके अंदर कब लॉन्च किया गया, तो 21 अक्टूबर 2023। कौन से रेजिम में लॉन्च किया गया है, तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इसे लॉन्च किया गया। और ये कैसी फ्लाइट है, तो अनमैंड फ्लाइट है जिसे सक्सेसफुली तरीके से हमने लॉन्च कर लिया है। बात करेंगे इसके सेकेंड टेस्टिंग फ्लाइट की, जिसको भी 2023 या 24 जो भी शेड्यूलिंग होगी उसके अंदर अगेन लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इस बार ये खाली फ्लाइट नहीं होगी, इस बार इसके अंदर
एक ऐसे हाफ ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि टॉकिंग रोबोट है, जो कि बात करेगा, वहां की सारी कंडीशंस के, सारे वेदर कंडीशंस के बारे में हमें इन्फॉर्म करेगा। उसका नाम रखा गया है व्योम मित्रा। ये एक तरीके का टॉकिंग रोबोट है जिसको बनाया गया है। इसके अलावा तीसरी जो इसकी फाइनल फ्लाइट होगी वो लॉन्च की जाएगी 2024 के अंदर, अगेन लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, जिसमें तीन व्योमनॉट्स को बिठा करके हम 5 to 7 days के लिए इसे हम लॉन्च करेंगे सक्सेसफुली तरीके से। देख सकते हैं ये वो हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, फीमेल रोबोट है, जिसको व्योम मित्रा नाम दिया गया है। और ये कुछ दिखने में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी, है ना। और इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको तैयार किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और साथ में इसरो ने मिलकर के इस हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को तैयार किया है। इसके अलावा बात करें दुनिया का वो पहला रोबोट जिसको स्पेस में लॉन्च किया गया था, तो 2013 की बात है, जापान ने किरोबो नाम से इस रोबोट को, टॉकिंग रोबोट को बना करके इसे स्पेस में लॉन्च किया था। और उसके बाद देखते ही देखते कई सारे देश जो कि स्पेस में काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका है, रशिया है, इन सारे देशों के द्वारा टॉकिंग रोबोट का इस्तेमाल स्पेस में पहुंचाने के लिए किया गया। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेस में जाने वाले वो पहले व्यक्ति, पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, क्योंकि हम जब पहुंचा रहे हैं तो हम फोर्थ अलाइट ग्रुप के अंदर आएंगे, लेकिन वो दुनिया का पहला देश जिसने पहली बार इंसान को स्पेस में लॉन्च किया सक्सेसफुली तरीके से, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको एक कॉस्मोनॉट आपको देखने को मिल रहे होंगे। यूरी गागरिन वॉज द फर्स्ट मैन इन स्पेस इन 1961 यूएसएसआर, यूएसएसआर सोवियत यूनियन की तरफ से जाने वाले ये पहले अंतरिक्ष यात्री बने। इसके अलावा अगला क्वेश्चन भी हमसे ये पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट लेडी, है ना, जो कि स्पेस के अंदर गई, तो 1963 अगेन एक साल के गैप के बाद यूएसएसआर ने वो कारनामा भी कर दिखाया कि पहली बार किसी महिला को स्पेस के अंदर क्या किया, सक्सेसफुली तरीके से लॉन्च किया। नाम है वैलेंटिना तेरेश्कोवा, 1963 में जाने वाली ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। अब सवाल ये उठता है, कई बार पूछा जाता है कि भाई कि क्या वो पहले भारतीय का नाम आपको पता है जो कि स्पेस के अंदर गए। बिल्कुल, तो ये नाम कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। 1984 में ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये भारतीय व्यक्ति हैं और अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि कहां पे गए, स्पेस में गए, लेकिन ये किसकी तरफ से स्पेस में गए, तो यूएसएसआर की तरफ से 1984 में ये स्पेस में पहुंचे। लेकिन अब वो पहला कारनामा हम करने जा रहे हैं 2024 में कि हम हमारे बनाए गए स्वदेशी रॉकेट और हमारे बनाए गए क्रू मॉड्यूल के अंदर बिठा करके हम हमारे व्योमनॉट्स को हम कहां पर लॉन्च करेंगे, स्पेस के अंदर लॉन्च करेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं हम इसरो के बारे में। इसरो के बारे में भी हमें जानकारी होने की जरूरत है, बिकॉज क्योंकि ये सारे काम किसके द्वारा किए जा रहे हैं, इसरो के द्वारा किए जा रहे हैं। बात करें इसरो के बारे में तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, इन्होंने स्पेस के लिए इससे पहले ही काम करना भारत के अंदर शुरू कर दिया था, जिसको लेकर के 1962 में एक कमिटी को रिकॉग्नाइज किया, बनाया गया, एस्टैब्लिश किया गया, जिसे इनकोस्पार के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से जाना जाता है। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। राइट नाउ बात करें इसके अभी रिसेंटली चेयरमैन की बात करें तो आप सभी को पता ही है, काफी नाम देखने को, जानने को, सुनने को मिला है, क्योंकि इनके लीडरशिप के अंदर, इनकी चेयरमैनशिप के अंदर कई सारे ऐसे प्रोग्राम अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए जिनमें आदित्य L1 मिशन और चंद्रयान 3 की वो सक्सेस लॉन्चिंग और लैंडिंग भी हमें इनकी लीडरशिप में देखने को मिली है, जिनका नाम है S. सोमनाथ। इसके अलावा हम बात करें
डीआरडीओ के बारे में, बिकॉज क्योंकि गगनयान मिशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का यदि मेन रोल भी यदि माना जाए तो डीआरडीओ का देखने को मिलेगा, जिसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो 1958 में इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बात करें कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो ऑब्वियसली बात है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहां पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि राइट नाउ मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। और बात करें इनके चेयरमैन की डीआरडीओ के, तो समीर वी कामत आपको राइट नाउ इनके चेयरमैन देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, क्योंकि इसका भी रोल हमें गगनयान मिशन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जाए तो ये 1940 में एस्टैब्लिश हुआ एक पीएसयू है, जो कि बैंगलोर कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसका हेड ऑफिस। और बात करें ये क्या क्या काम करता है, ये कौन से प्रोडक्ट्स को बनाता है, तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाता है, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है, हेलीकॉप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे ये बनाता है। राइट नाउ इसके चेयरमैन की बात करें तो सी बी अनंत कृष्णन आपको इसके चेयरमैन देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है, सारी जानकारी आप सभी को इस गगनयान मिशन के अंदर देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।